गाइस वेलकम बैक। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा एंड इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मेरे वैसे आपको पहले बता देता हूँ, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं एंड मैंने 27 सितंबर 2018 में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मेरा शेडिंग फेज चल रहा है एंड मेरे 80% बाल तो झड़ चुके हैं, 20% ऐसे थे जो जड़े ही नहीं, वहीं से ग्रो होने स्टार्ट हो गए, मेरे बेबी हेयर्स आने स्टार्ट हो गए। मैं आपको वीडियो के एंडिंग में उस चीज़ के बारे में फोटोज दे दूंगा अपने रिजल्ट के आज के। सो गाइज टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने जैसे आपको पता होगा वीडियो का टाइटल मैंने पढ़ लिया होगा, मैंने फिनिस्ट्राइड लेना छोड़ दिया था आज से 2 दिन पहले, जस्ट बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ रिकमेंड की है, एक ऐसा मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन रिकमेंड किया है जिसमें फिनिस्ट्राइड ऑलरेडी है, 5% फिनॉक्सिडिल एंड 0.1 mg इसमें फिनिस्ट्राइड है। इस सॉल्यूशन को मोर 5% के नाम से है सॉल्यूशन एंड ये 2-3 टिपिकल फॉर्म में आता है। सो उन्होंने मुझे बेसिकली फिनिस्ट्राइड लेना छोड़ना इसलिए बोला क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आप बहुत यंग हो, 22 ईयर ओल्ड हो, तो आपको सेक्सुअल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बाय द वे आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ द सेक्सुअल इफेक्ट्स येट, बट 6 महीने मैंने पहले भी फिनिस्ट्राइड लिया था तो मुझे सेक्सुअल इफेक्ट्स तो कोई दिखा नहीं। ये है वो सॉल्यूशन मोर 5, आप पढ़ लो मोर 5, मिनोक्सिडिल एंड फिनिस्ट्राइड दोनों का मिक्सचर है ये, जिसमें आप देखिए और आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिनोक्सिडिल 5% है एंड फिनिस्ट्राइड 0.1% है, जिसमें ये फिनिस्ट्राइड जो DHT ब्लॉक करता है ये उसी एरिया में ब्लॉक करेगा जिस एरिया में आप ये सॉल्यूशन अप्लाई करोगे। जबकि अगर आप टैबलेट लेते थे तो टैबलेट क्या होता था, आपके पेट के अंदर जाता था तो वो पूरे DHT इफेक्टेड एरिया में DHT ब्लॉक करता था। सो इसके कुछ साइड इफेक्ट होता था कि वो आप बहुत यंग हो, फिनिस्ट्राइड टैबलेट फॉर्म में लेने के लिए तो आप ये वाला सॉल्यूशन यूज़ कीजिए, इसमें फिनिस्ट्राइड और वो दोनों जाएगा और आपके उसी एरिया में इफेक्ट करेगा जहाँ पे आप ये अप्लाई करते हो। सो गाइज ये था, मैं आपको बताना चाह रहा था, अपडेट देना चाह रहा था एंड मैं रिजल्ट के इसके बाद आपको रिजल्ट की फोटोज़ देखेंगे कुछ, उसमें रिजल्ट देख लेना मेरा कितना आया। एंड दोस्तों अभी तक तो मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ बिकॉज जो बेबी हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा डेंसिटी में आ रहे हैं। एंड मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आने वाली सारी अपडेट्स आपको दे सकूँ। फ्रेंड्स आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।